नमस्कार दोस्तों, मैं आर डी यादव जाप मंत्रा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को कर ही रहे होंगे। आज ये स्ट्रेटजी के लिए वीडियो लेके आया हूं। कई लोग मैसेज कर रहे थे कि सर स्ट्रेटजी के लिए व्हाट्सएप, बहुत सारे मैसेज आने लगे स्ट्रेटजी पर वीडियो, स्ट्रेटजी पर वीडियो। तो आज टाइम था तो मैं सोचा बना देता हूँ वीडियो। तो बाकी जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि जो मैं बुक बता रहा हूँ उसी से सिलेक्शन होगा। आप जिससे भी पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिविज़न कीजिए, सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। ऐसा नहीं कि जो मैं बुक बता दे रहा हूँ वही बुक स्टार्ट कर देना पढ़ने के लिए। अगर कुछ और पढ़ रहे हैं तो आप उससे भी पढ़ते रहिए, कोचिंग ले रहे हैं तो कोचिंग करते रहिए। ये नहीं किसी से पढ़ना है, बस मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन सी बुक मैंने प्रेफर किया था। तो मैं तो तैयारी कर रहा था काफ़ी पहले से भी, और PCS वगैरह की तैयारी कर रहा था तो उस हिसाब से मैं पढ़ता था। बाकी आप जो भी पढ़ रहे हैं अच्छा है, कोचिंग वगैरह कर रहे हैं तो करते रहिए। एक आइडिया आपको ओवर भी मिल जाएगा कि सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसके लिए मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। जैसे वहाँ पे था रीजनिंग का, ऐसे अलग ब्लिंक कर रहा था, वहाँ पे रीजनिंग था, फिर कंप्यूटर था, फिर इंग्लिश था, फिर हिंदी था, पोल्ट्री था, ऐसे ऐसे थे। सबके नंबर ऑफ क्वेश्चन बटे हुए थे, जिस पे आप क्लिक करते उसका क्वेश्चन खुल के आ जाता था। तो मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ जिस हिसाब से था। दूसरा चीज़, अभी पढ़ाई आप करते रहिए, मेन यही आपके लिए है। आप अभी किसी के बहकाव में आकर के आप हिंदी टाइपिंग स्टार्ट कर दें या कुछ और स्टार्ट कर दें, आपके हाथ में सब कुछ भी नहीं है। वो जब होगा सबके लिए होगा। अभी आपके हाथ में आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, रीजनिंग, इन सबको तो रेडी रखें, क्योंकि ये तो आना ही आना है, ये तो कहीं हटने वाला नहीं है। तो जो आपके हाथ में उसे तैयार करिए। इंग्लिश टाइपिंग आपके हाथ में, आप डेली 30 मिनट टाइम दीजिए, जिसको बिल्कुल भी नहीं आती हो 30 मिनट टाइम दे, सफिशियंट है, उतना करते रहिए। बाकी हिंदी टाइपिंग अभी मत कीजिए, 30 मिनट टाइपिंग दीजिए। बाकी जो मेन सिलेबस उसको करते रहिए, किसी बकाया मत आइए नोटिफिकेशन कब आएगा कब नहीं आएगा, इससे आपको मतलब नहीं। आपको पूरा सिलेबस तैयार है तो 2 मंथ पहले आ जाए नोटिफिकेशन, 2 मंथ बाद आ जाए। अगर सिलेबस तैयार है तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। अब कुछ लोग पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान ना देकर नोटिफिकेशन के इंतजार में रहते हैं कि इस मंथ आ रहा है, उस मंथ आ रहा है, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं गया। तो आप मेन फोकस आपकी तैयारी होना चाहिए। आप पूरी तैयारी है, नोटिफिकेशन तो आना ही आना है, 2 मंथ लेट आएगा और क्या हो सकता है, ये पहले आ जाए। अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी है तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करता हूँ रीजनिंग से। रीजनिंग पहला टॉपिक था वहाँ पे। रीजनिंग के लिए मैंने जो बुक प्रेफर किया था वो भी बता दे रहा हूँ। रीजनिंग पे, रीजनिंग के लिए मैंने SSC की घटना चक्र से प्रैक्टिस किया था। आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं SSC प्रिपरेशन भी किया था तो इसके ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ा। बट बुक अच्छी है तो ये मैं प्रेफर करूँगा। आप इसका पूरा नहीं करना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं, 2023 तक सारे क्वेश्चन हैं, तो उतना नहीं करना है आपको। करना कैसे, इसका हर टॉपिक से लगभग 200-200 क्वेश्चन कर लेना है। 200-200 क्वेश्चन हर टॉपिक से करना है, जितने टॉपिक इसमें दिए गए हैं इसमें टॉपिक वाइज डिसाइड है। 200-150 ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके लिए सफिशियंट रहेगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं रीजनिंग वगैरह तो आप 200-200 क्वेश्चन हर टॉपिक का प्रैक्टिस कर लीजिए। 10-12 टॉपिक हैं तो उससे सफिशियंट हो जाएगा आपका, पूरा को पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन आना है इसमें रीजनिंग से, आपका 2500 सही हो जाएगा। बस इतना प्रैक्टिस करके जाएंगे 100% हो जाएगा। बाकी जो अभी तक नहीं पढ़े हैं, जिनको रीजनिंग बिल्कुल नहीं आता, उनके लिए है कि आप यूट्यूब पर या तो पीयूष वार्ष्णेय सर का आप वीडियो देख लीजिए, या रोजगार विथ अंकित पे कोई टीचर हैं रीजनिंग पढ़ाते हैं उनका वीडियो देख सकते हैं। तो मैं दोनों बताते चल रहा हूँ, जो बिल्कुल नहीं पढ़ाई किए हैं या जो स्टार्ट करें उनके लिए भी। अगर आप पहले से पढ़ाई नहीं की तो पहले इसका प्रैक्टिस मत कीजिए, पहले आप यूट्यूब चैनल से हर वीडियो का, हर टॉपिक का वीडियो देख लीजिए, पीयूष वार्ष्णेय हैं या रोजगार विथ अंकित या किसी और चैनल जो आपको पसंद हो वहाँ से देख करके फिर इसके बाद प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ से प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर रीजनिंग का 25-25 आज सही हो जाएगा। इससे प्रैक्टिस कीजिए, चाहे किरण कीजिए, ये अच्छी बुक है, इसमें एरर वगैरह कम है, तो आप इससे प्रैक्टिस करेंगे तो बेटर रहेगा। तो 25-25 यहाँ पे पूरा 100% आ जाएगा, प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। 150-200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए तो हो जाएगा। ये हो गया रीजनिंग का। दूसरा टॉपिक था वहाँ पर कंप्यूटर का। कंप्यूटर का आता है क्वेश्चन 22 क्वेश्चन। 25 आप नोट करते जाइए, 25 क्वेश्चन रीजनिंग का, कहीं आप चिपका लेंगे उसी हिसाब से प्रिपरेशन करना। 25 क्वेश्चन रीजनिंग का, 22 क्वेश्चन आएगा कंप्यूटर का। पिछली बार क्या हुआ, कंप्यूटर का इसी लूसेंट केस से पूरा के पूरे क्वेश्चन आ गए थे। आप मैच भी कर सकते हैं, मैंने पेपर अपलोड भी किया है, बाकी आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। 22 के 22 क्वेश्चन लूसेंट कंप्यूटर से ही आया था, तो यहाँ से आप कंप्यूटर कर सकते हैं। कई बार कीजिएगा, रिवीजन कीजिए पूरा, जो उसमें लास्ट में हर चैप्टर के पीछे 150-200 क्वेश्चन दिया गया है उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, उसी से हो जाएगा।
बाकी और अगर आप 100% श्योर चाह रहे हैं तो आप स्टडी आईक्यू से पेड कोर्स चाह रहे हैं तो स्टडी आईक्यू ऐप से कंप्यूटर अवेयरनेस का कोर्स ले सकते हैं। अगर 100% श्योर चाह ही रहे हैं कि टोटल मेरा 22 क्वेश्चन सही हो तो वहाँ से कोर्स ले सकते हैं, लगभग 450 का होगा, वो कर सकते हैं। या कोई और यूट्यूब चैनल जो यूट्यूब से अच्छे पढ़ा रहे हैं आप उसे देख करके वहाँ से कर सकते हैं। इस बुक को करना ही करना है, उसके साथ आप अदर चीज़ कर सकते हैं, जैसे कोई यूट्यूब चैनल देख लीजिए या स्टडी आईक्यू ऐप से ले सकते हैं कोर्स, तो यहाँ से कंप्यूटर हो गया, दूसरा 22 क्वेश्चन हो गए, 25 टोटल हो गए, 47 आपका हो चुका है, यहाँ पे 47 क्वेश्चन हो 47 मार्क्स के हो चुके हैं। उसके बाद आता है इंग्लिश का, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आने हैं, ये इसमें बहुत ज़्यादा दिया गया है। अब बुक अच्छी है लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, उतने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ दिन बाद टॉपिक इसमें बता दूँ कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, एक बुक और आती ब्लैक बुक, उससे भी कुछ टॉपिक पढ़ने होंगे, उससे बता दूंगा, वोकैबुलरी वगैरह वहाँ से हो जाएगा। ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ 10 क्वेश्चन आएंगे, इसको आप पढ़ भी लेंगे तभी पूरा नहीं सही कर पाएंगे, चांसेस कम है सही भी हो सकते हैं, तो 7-8 तो कर ले जाएंगे। उसके लिए कुछ और बता दूंगा, टॉपिक वाइज बता दूंगा जिससे कि आसानी हो जाएगी। अब इसी के पीछे मत पड़ जाना, डेली मैसेज करना सर इंग्लिश बताइए इंग्लिश बताइए, बाकी चीज़ बता रहा हूँ आप उसको पढ़ते रहिए, इसका वीडियो मैं अपने आप डाल दूंगा। यहाँ से हो गया 10 क्वेश्चन। उसके बाद आता है हिंदी का टॉपिक, आदित्य पब्लिकेशन का हिंदी से आपको कर लेना है। इसमें वही भी चीज़ है, 10 क्वेश्चन के लिए आपको पूरी बुक नहीं पढ़ जानी है, इसमें भी सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं, सिलेक्टेड टॉपिक जहाँ से टोटल क्वेश्चन हो जाए, ऐसे नहीं कि रस अलंकार छंद ये सब याद करने लगे रटने लगे, ये सब कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जो क्वेश्चन आएगा नॉर्मल टॉपिक करते रहिए, समास है, संधि है, वर्ड है, विलोम है, पर्यायवाची, यही सब टॉपिक आएंगे। बाकी इसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं हिंदी में, हिंदी इससे कर सकते हैं। अभी लास्ट में बता दूंगा अभी कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको। दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है पोल्ट्री, पोल्ट्री से आया था 18 क्वेश्चन आए थे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी पोल्ट्री से आते हैं, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप घटना चक्र का पूर्वावलोकन से कर सकते हैं, मैंने इसी से किया इसीलिए मैंने इसका पिक लगा दिया हूँ, इसी से पढ़ा था मैं, आप इससे ही पढ़ सकते हैं या कोई और बुक पढ़ रहे हों तो सफिशियंट है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते, सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने किया था वो मैंने बता दी, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अगर कोई बुक या कोचिंग से पढ़ रहे हैं तो वहाँ से पढ़ते रहिए। 18 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे पोल्ट्री से, आप नोट करते जाएं किस सब्जेक्ट कितना क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से तैयारी करते रहें। इसके बाद आता है सामान्य विज्ञान, विज्ञान से आए थे 17 क्वेश्चन आए थे, मैंने इसी से बुक से किया था पूर्वावलोकन घटना चक्र से ही, बाकी आप लूसेंट वगैरह से करना चाहें तो कर सकते हैं। बायो का लेवल थोड़ा हाई था तो बायो थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा, लेवल ज़्यादा था, डीप में था, तो मैंने इसी से किया था, ठीक ठाक हो गया था, तो आप इससे देख सकते हैं। पूरा क्वेश्चन मेरा भी साइंस का सही नहीं हुआ था तो आप इससे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या कोई और चैनल वगैरह फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ से फॉलो कर सकते हैं साइंस के लिए। हिस्ट्री के लिए भी वही है, हिस्ट्री में आपको वहाँ दो टॉपिक बचे डिवाइड थे, एक तो हिस्ट्री का था, एक था नेशनल मूवमेंट का। अगर आप हिस्ट्री का देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से ही आया था, हिस्ट्री के आ गए थे 14 क्वेश्चन और नेशनल मूवमेंट के आए थे 14 क्वेश्चन, जो 14 14 28 मार्क्स यही आ गए, 28 मार्क्स आप समझ रहे हैं। उसके बाद आएगा कंप्यूटर रीजनिंग का 25 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा हिस्ट्री का आया था। अगर आप हिस्ट्री कर लेते हैं 28 मार्क्स का यहाँ हो गया, 25 मार्क्स का रीजनिंग हो गया, 22 मार्क्स का कंप्यूटर हो गया, कितना हो गया 75 मार्क्स का, तो यही हो गया 3 सब्जेक्ट से। तो आप ऐसे डिवाइड करके पढ़ेंगे तो आपको लिए इजीली सही रहेगा, तो अच्छे से आप कर सकते हैं कौन कौन से मेन सब्जेक्ट हैं। तो आप देख सकते हैं 28 क्वेश्चन आ रहा है हिस्ट्री से। आगे चलते हैं, आपके पास एग्रीकल्चर आता है, उसके बाद एग्रीकल्चर आएगा, उसके बाद एग्रीकल्चर आता है 14 मार्क्स का, एग्रीकल्चर आता है 14 मार्क्स का। और मैं 3 टॉपिक एक साथ बता रहा हूँ क्योंकि तीनों टॉपिक एक ही बुक में मिल जाएंगे। और आएगा पॉपुलेशन आएगा 14 मार्क्स का, ज्योग्राफी आएगा 14 मार्क्स का, यहाँ से आएगा 42 मार्क्स के आने हैं। मैंने एग्रीकल्चर इसी ज्योग्राफी बुक से ही कर लिया था क्योंकि इसमें काफ़ी दिया गया है क्वेश्चन एग्रीकल्चर का, आप ज्योग्राफी से ही कर सकते हैं एग्रीकल्चर,
पॉपुलेशन भी उसी में दिया गया है। जनगणना आप लूसेंट की बुक देखेंगे तो लूसेंट में जियोग्राफी में ही जनगणना दिया गया है, और जनगणना से क्वेश्चन आता है, अगर लूसेंट की बुक भी कर लेंगे तो वो सफिशियंट उसी से आ गया था, इसमें भी दिया गया जनगणना। तो ये तीनों मैंने इसी से किया था, तो अदर बुक मैंने नहीं किया था। अगर आप अदर बुक कोई फॉलो करना चाहते हैं, लोग पूछेंगे अभी, मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, उनके लिए यह है कि आप परीक्षा वाणी से कर सकते हैं, बट मैंने किया नहीं था, जो मैं फैक्ट है वही चीज़ बता रहा हूँ, मैंने किया नहीं था, मैंने सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ा था, उसी से सारे तीनों टॉपिक हो गए थे 42 मार्क्स के। आपका 14 क्वेश्चन ज्योग्राफी, 14 क्वेश्चन एग्रीकल्चर, 14 क्वेश्चन पॉपुलेशन, इसी से हो गए थे, आप यहाँ से कर सकते हैं। और बाकी चीज़ सफिशियंट है इतना, लास्ट में जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आ जाते हैं आप इसके देखने के लिए, पॉपुलेशन वगैरह के लिए बहुत इजीली आता है, तो वो सब बाद में कर सकते हैं। पॉपुलेशन है, एग्रीकल्चर का आप करंट से जो पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर का करंट पढ़ेंगे उससे हो जाएगा, इसलिए एग्रीकल्चर ज़्यादा फोकस नहीं कर, जितना ज्योग्राफी में दिया उतना कर लीजिए। बाकी करंट का एग्रीकल्चर भी आता है, तो आप करंट का एग्रीकल्चर पढ़ लेंगे तो वहाँ से हो जाएगा। उसके बाद आता है कंप्यूटर अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस करंट अफेयर आता है। तो करंट अफेयर के लिए क्या करना है, करंट अफेयर के लिए मैं एक ही फॉलो किया हूँ अभी तक, उन्हीं का पढ़ता हूँ, स्टडी आईक्यू ऐप से डॉक्टर गौरव गर्ग का करंट अफेयर पढ़ता हूँ। डेली आप पढ़ेंगे तो कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें एग्रीकल्चर का भी करंट अफेयर अलग से करा देते हैं, आपका मेन चीज़ अलग अलग से करा देते हैं। डेली आप पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसी से काम हो जाएगा। लेकिन अभी ये लेना नहीं है आपको, अगर आप लिए हो तो ठीक है, अगर आप परचेज ना किए हों तो ऐप वगैरह डाउनलोड करके देखते रहें, जब ऑफ़र आए 400 या 500 में आता है ऑफ़र तभी ले, अभी ऐसे 2000 के आसपास रेट हो गया, 1500 जो भी होगा, जब ऑफ़र आए तो उस टाइम ले लीजिए, 500-600 ऐसे ही मिल जाएगा। वो कोर्स ले लेंगे एक साल का तो करते रहेंगे, डेली का वीडियो देखते रहिए तो वहाँ से करंट का हो जाएगा। करंट का आता है 14 क्वेश्चन, यूपी जीके का भी 14 क्वेश्चन आता है। यूपी के लिए मैंने उस पर जीएस वर्ल्ड पे एक इरफान सर थे, शायद इरफान सर पढ़ाए हुए थे, इमरान सर, तो वहाँ से कर लिया था। बाकी आप करना चाहें तो घटना चक्र की बुक आती है, परीक्षा वाणी की बुक आती है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है, उतना करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर मेंस वगैरह लिखना है यूपी जीके पे तब उसके लिए सही है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव देना है तो यूट्यूब से कोई चैनल फॉलो कर लीजिए, या जीएस वर्ल्ड पे हैं वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, ये सब भी देख सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम टाइम ये सब और यूट्यूब पे वीडियो नए नए आ जाएंगे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। पूरा स्ट्रेटजी यही है, अब आपको एक बार मैं बता देता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं फिर से। और एक चीज़ और, अगर मान लीजिए अभी कोई न्यू बंदा है जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहा है, अभी तक कुछ नहीं किया है, तो उसके लिए ये सजेस्ट करूँगा कि आप कैरियर विल से जीएस का कोर्स ले लें, कैरियर विल से जीएस का कोर्स ले लें, वहाँ से कंप्लीट जीएस हो जाएगा आपका, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, वहीं से सब कुछ हो जाएगा। और बाकी इसके बाद कंप्यूटर का कोर्स करना चाहें तो कोर्स ले लें स्टडी आई क्यू से 500 रुपये में आएगा, इनका कोर्स भी 1000-1200 रुपये में आएगा जीएस का, यहाँ से जीएस हो जाएगा, यहाँ से कंप्यूटर हो जाएगा। रीजनिंग के लिए यूट्यूब से पीयूष वार्ष ने या रोजगार विथंकित को फॉलो कर लेंगे, वहाँ से हो जाएगा। और एक करंट का कोर्स ले लीजिए स्टडी आई क्यू से, अगर इतना पैकेज ले लेते हैं आप, स्टडी आई क्यू करंट और करियर विल से जीएस का कोर्स और कंप्यूटर का कोर्स लेना चाहें तो स्टडी आई क्यू से ले सकते हैं। इतना कर लें अगर जो न्यू है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जीएस का कोर्स, अगर जीएस अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो करियर विल से ले सकता है, उनका बेस्ट है। मैंने उनका कोर्स लिया था, पढ़ा था, तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, सस्ता भी, ज़्यादा कुछ महंगा भी नहीं है, तो वहाँ से कर सकता है। तो जो नए हैं उनके लिए, बाकी जो पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं बुक बता दिया हूँ, वहाँ से कर सकते हैं। अब नंबर मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन फिर से आए थे। रीजनिंग आया था 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर आया था 22 क्वेश्चन, इंग्लिश 10, हिंदी 10 क्वेश्चन, पॉलिटी 18 क्वेश्चन, साइंस 17, हिस्ट्री 14, हिस्ट्री अगर दोनों नेशनल मूवमेंट और प्राचीन और मध्य मिला देंगे तो 28, एग्रीकल्चर 14,
पॉपुलेशन 14, ज्योग्राफी 14, ये तीनों मिला देंगे तो 42 मार्क्स यही हो गया। करंट अफेयर आएगा 14, यूपी जी के 14। एक बार शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, मेन मेन टॉपिक देखिए रीजनिंग है, हिस्ट्री है, कंप्यूटर है, तीनों पहले कर लीजिए। उसके बाद आप साइंस और पोल्ट्री दोनों कर लीजिए, यहाँ से हो गए, फिर आप ज्योग्राफी कर लीजिए। ऐसे अभी हर चीज़ में मत भागे, दो दो सब्जेक्ट पकड़ लीजिए, दो दो सब्जेक्ट कंप्लीट करते जाइए। रीजनिंग हिस्ट्री ले लीजिए, कंप्लीट कर दीजिए, आपका हो जाएगा 53 मार्क्स का यहाँ पर हो जाएगा। कंप्यूटर कर लीजिए, उसके बाद पोल्ट्री साइंस कर लो, उसके बाद ज्योग्राफी कर सकते हैं, यहाँ से 42 मार्क्स का हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक दो दो सब्जेक्ट कंप्लीट करते हुए जाइए तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। आपका दो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसका रिवीजन कीजिए, टेक्स्ट बुक या कोई ऐप से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें, ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। बाकी टाइपिंग पर आप 20-30 मिनट टाइम दीजिए डेली, अभी सफिशियंट टाइम है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने जा रहा है, तो आप यहाँ से करते रहें। बाकी एक बुक और है जो आपको करना ही है, लूसेंट का, लूसेंट एक जीके की बुक जो आती है, उससे आप कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं लगाएं। और लूसेंट बुक वो लास्ट के लिए है, जब आपका नोटिफिकेशन या एग्जाम नज़दीक आएगा, लूसेंट होता है रिवीजन के लिए, जब एग्ज़ाम नोटिफिकेशन नज़दीक आएगा फिर मैं वीडियो लाऊंगा। अभी आपके लिए इंग्लिश और हिंदी पे मैं वीडियो ला दूंगा, क्या क्या पढ़ना है उसमें, ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको वन लाइनरी क्वेश्चन आएंगे, सिंपल क्वेश्चन आएंगे। बाकी और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे, ज़्यादा कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑफिस रहता हूँ तो रिसीव नहीं करता हूँ, जब मुझे टाइम लगेगा तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ। बाकी और कोई डाउट है तो आप कमेंट व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जब मुझे टाइम लगेगा मैं बताता रहूँगा। और किस टॉपिक वीडियो चाहिए आप कमेंट कर दीजिए, मैं वहाँ से देख करके फिर वीडियो बना दूँगा जैसे मुझे टाइम मिलेगा। अभी समर वैकेशन चल रहा है तो अभी टाइम है, बीच में वीडियो मैं लाता रहूँगा। ओके, बाय बाय, अच्छे से तैयारी कीजिए, बेस्ट ऑफ लक।